लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज का करियर शानदार रहा है। हाल ही में उन्होंने टीम इंडिया को आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँचाया था। इस टूर्नामेंट में मिताली ने कुछ बेहतरीन पारियां खेली और पूर्व इंग्लिश कप्तान शाहरुख खान को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बनी। हाल ही में मिताली ने शाहरुख खान के नए शो टेड टॉक्स इंडिया नई सोच में हिस्सा लिया। इस शो का प्रसारण 7 जनवरी को होगा। शो के दौरान शाहरुख खान ने मिताली की खेल के प्रति प्रतिबद्धता की तारीफ की और भविष्य में उनके भारतीय पुरुष टीम के कोच बनने का समर्थन किया। मिताली ने कहा कि वह हमेशा अपना बेस्ट देना चाहती हैं। राज ने कहा, जब आप फील्ड में होते हो और हर किसी की नजरें आप पर हो, आपकी पूरी टीम ट्रॉफी जीतने के लिए तत्पर हो, तो यह फिर खेल नहीं रह जाता। इसलिए केंद्रित रहना बहुत जरूरी है। हम सभी के अपने तरीके होते हैं कि अपना सर्वश्रेष्ठ दें। 34 वर्षीय मिताली भारतीय पुरुष और महिला टीम की पहली ऐसी कप्तान है जिन्होंने टीम को 2 बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँचाया। मिताली के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम ने 2005 और 2017 में वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि दोनों ही मौकों पर भारतीय टीम को हार झेलना पड़ी। मिताली की उपलब्धि है कि वह वर्ल्ड कप में 1000 रन बनाने वाली एकमात्र महिला बल्लेबाज हैं।